जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का 22वां अध्याय सुना रही हूँ। सुन, ब्राह्मण पुत्र सनकादिक ने पाकर हरि आदेश महेश पृथु को दिया तत्व ज्ञान उपदेश। सुनिए, मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, अब तुम आगे का चरित्र ध्यान पूर्वक सुनो। राजा पृथु की भक्ति देख कर ब्राह्मण ऋषि मुनि आदि उनके प्रशंसा कर ही रहे थे कि उसी समय कोटि सूर्य के सदृश प्रकाशवान ब्रह्मा जी के चार पुत्र सनक, सनानंद, सनातन तथा संत कुमार ऋषिगण गगन मार्ग से उतर कर राजा पृथु के सम्मुख आए। तब राजा पृथु ने उनके बैठने को सुंदर पवित्र स्वर्ण आसन दिया और फिर उनकी यथा विधि से पूजा की। पुनः राजा पृथु उनको प्रणाम करते हुए बोले, हे योगी निधे, आप परम योगी तथा साक्षात भगवान के ही स्वरूप हो। सदैव भक्तों पर कृपा करते हुए सिद्ध स्वरूप से समस्त लोकों में पर्यटन करते रहते हो। हे मुनि, आप मुझे ज्ञानोपदेश दीजिए जिससे अंत में सदगति प्राप्त हो। मैत्रेय जी बोले, इस प्रकार राजा पृथु से पूजित तथा सम्मानित सनकादिक चारों मुनि प्रसन्न हुए। राजा पृथु से बोले, हे नृपेंद्र, मनुष्य के मंगल के लिए समस्त शास्त्रों ने केवल दो ही मार्ग बताए हैं। प्रथम तो निराकार निर्गुण एवं ब्राह्मण रूप आत्मा में अनन्य भाव से भक्ति, दूजे आत्मा से पृथक नाशवान शरीर आदि से मोह एवं राग न रखना। हे महाभाग, सो ये दोनों ही मार्ग परम कठिन एवं दुष्प्राय है। प्रथम तो भगवान की कथाओं का श्रवण, संत सत्संग, धन तथा काम वासनाओं का त्याग, जीवों की हिंसा का त्याग, चित्त में वैराग्य धारण, इंद्रियों का दमन, व्रत आदि नियमों का शारीरिक शक्ति के अनुसार पालन करना चाहिए। जब तक इंद्रियों के विषयों में वैराग्य न होगा तब तक मन का स्थिर होना परम कठिन है और बिना मन के स्थिर किए भगवान प्राप्ति नहीं होती। हे महाराज, जिस प्रकार अग्नि अपने उत्पत्ति करने वाले ईंधन को ही भस्म कर देती है, उसी प्रकार से आत्मज्ञान तथा इंद्रिय अर्थों में वैराग्य की शक्ति से अहंकार यानी तर्पण स्वयं भस्म हो जाते हैं। उस समय मनुष्य को सुख तथा दुख कुछ भी नहीं व्यापता। जब तक मनुष्य मोह में डूबा हुआ रहता है तभी तक मेरा तेरा आदि भेद बुद्धि होती है और जब इस मोह से परे रहता है तो उसे अपने शरीर का भी कोई अनुसंधान यानी होश नहीं रहता है। जो मनुष्य हर घड़ी मृत्यु का स्मरण करता रहता है तो उससे दुष्कर्म सर्वथा दूर रहते हैं। हे राजन, आत्मा तो एक ही है, वह नामों के भेदों से पृथक पृथक सब रूपों में उत्पन्न होती है। आत्मा अजर अमर है। मनुष्य जन्म पाकर शुभ कर्मों द्वारा देव योनि भी प्राप्त कर सकता है और वह जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा भी पा सकता है। यही मुक्ति का परम मार्ग है। सो मैंने तुमको बता दिया, परमात्मा का भजन करना ही सदगतिदायक है।
जिससे मनुष्य यहाँ भी तथा अंत में परलोक में भी आनंद भोगता रहता है। हे राजन, संसारिक विषयों में इच्छा करना अपने को गड्ढे में गिराने की प्रबल जंजीर है, जिससे समस्त इंद्रियां उसी ओर खींची चली जाती है और उसके द्वारा जीव को घोर कष्ट उठाना पड़ता है। जो मनुष्य भव सिंधु से पार जाना चाहता है, वह धर्मादि कर्मों में आपत्ति करने वाली वस्तुओं की कभी भी इच्छा न करे। ईश्वर सर्वत्र ही स्थिर है, जो अजन्मा है, अविनाशी है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उसको प्रेम से हर घड़ी चिंतन करते रहो। उनकी शरण लेने से मनुष्य संसारिक कष्टों से परे हो जाते हैं। मैत्री जी बोले, हे विदुर, जब राजा पृथु ने संत कुमार जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, तब वे अपने दोनों हाथ जोड़कर संत कुमार जी से बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको अब गुरु दक्षिणा में क्या भेंट दूं? मुनियों ने कहा, हे नृपेंद्र, हमको तो कोई इच्छा नहीं, धन वैभव आदि से मोह हटा कर तुम दान धर्म पुण्य आदि करो और दीन ब्राह्मणों का तथा अभ्यागतों का सत्कार करो, बस यही हमारी अभिलाषा है। मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर जी, वे चारों सनकादि राजा पृथ्वी की प्रशंसा करते हुए एवं हरि गुण गाते हुए आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को चले गए। राज ऋषि पृथ्वी महाराज आत्म विद्या के परम ज्ञाता हो गए। सनकादिक मुनियों की शिक्षा उनके हृदय में स्थिर विराजमान हो गई। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, राजा पृथु ने जब धरनी को तूफा और समस्त वास्तुएं निकाली, तभी से उनका नाम पृथ्वी पड़ गया। इससे पहले इसका नाम विश्वा था। राजा पृथु ने पृथ्वी को अपनी कन्या बना ली और उसका सभी प्रकार से पोषण करते रहे। पुनः राजा पृथु ने अर्ची नामक अपनी स्त्री से 5 पुत्र पैदा किए। पहला विजेताशव, दूसरा धूम्रकेश, तीसरा हर्षव, चौथा दर्विण, पांचवा वृक्ष। ये 5 पुत्र के नाम हैं। पुनः राजा पृथु अपने ज्येष्ठ पुत्र विजेताशव को राज्य अर्पण कर स्वयं अपनी पत्नी अर्ची के साथ तपोवन में हरि की आराधना करने के लिए राज्य कार्यों से मोह हटाकर चल दिए। राजा पृथु के वन को चले जाने पर उनके बड़े पुत्र विजेताशव ने अपने छोटे चारों भाइयों को भी चारों दिशाओं का पृथक राज्य हिस्सा बांट दिया। हर्षव जी को पूर्व दिशा का राज्य, धूम्रकेश को दक्षिण दिशा का राज्य, वृक्ष नामक कुमार को पश्चिम दिशा का राज्य एवं दर्विण को उत्तर दिशा का राज्य शासन पद दे दिया। राजा पृथु को अपनी प्रजा बड़ी प्यारी थी, इसी कारण उनके वन चले जाने पर प्रजा उनके शोक में बड़ी भारी दुखी हुई। प्रजा की भलाई के लिए उनने जो जो साधन उपस्थित किए, ये उनकी कीर्ति चिन्ह सदा के लिए स्थापित हो गए। समस्त प्रजा सर्वदा उनके गुणों का गान एवं उनकी पूजा किया करती थी। बोलिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 22वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 23वां अध्याय।
यह है आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।